नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 यानी CMMS एग्जाम 2023 का आंसर की। तो इसमें हम गणित के सभी प्रश्नों का आंसर की देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 151 में पूछा गया था, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन एक सही है, एक धनात्मक परिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल होता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन थ्री हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन 3 एक होता है ना परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक। जैसे कोई परिमेय संख्या 5 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1/5 होता है। तो अगर इसका गुणनफल पूछा गया तो कट के क्या आएगा, 1 आता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न पूछा गया था, 330 सेंटीमीटर लंबा छड़ से 13.2 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो ये तो सीधा सीधा भाग है, 330 में आपको भाग देना था 13.2 से, ठीक है। तो भाग दे के कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 154, समीकरण AX+B = 0 का हल है। तो अब देखिए साइड में जो गुना भाग किया गया है स्टूडेंट के द्वारा किया गया है, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, जो बता रहे हैं उस पे आपको मिलाना है। तो यहाँ पे इसका हल अगर हम लोग करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, AX+B = 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AX = B को इस साइड ले जाएंगे तो यह आएगा -B। यहाँ से हम x का मान अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -B/A आ जाएगा, ठीक है। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155, एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष 30 डिग्री है, आधार का कोण कहता निकालें। तो शीर्ष कोण दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके दोनों कोण क्या होंगे, ये बराबर होंगे, तो x और x, तो यानी 2x + 30 = हो जाएगा तीनों कोणों का योगफल 180, ठीक है। 180 में से 30 को घटाएंगे 150 बच जाएगा, 150 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 156, 3 के लगातार गुणजों ज्ञात की जिसका योगफल 33 है। तो ये तो सीधा सीधा यहाँ देखिए 15 और 18 को जोड़ेंगे 33 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 157 में देखिए, यहाँ पर 2A है तो यहाँ 2A का मतलब कितना हो गया, 70 डिग्री, और ये पूरा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 180 में से अगर 70 को माइनस करते हैं तो 110 डिग्री आता है इसमें। तो यहाँ B का सिर्फ मान निकालना है तो 4 से इसको भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 158, समांतर चतुर्भुज ABCD का AB है 12 और अगला है 6। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो 12 6 का कितना हो जाएगा, 72। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न भुजाओं में के समूह में कौन एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, इसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो यह जिसमें पूरा हो जाएगा, तो यहाँ देखिए कर्ण है 5, तो 5 का स्क्वायर = 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये बराबर आ जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 160, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ी होता है। तो यहाँ पे 4 3 7 हो जाता है जो कि तीसरी भुजा से बड़ी है, तो इसलिए त्रिभुज संभव है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। राम के पास 2500 रुपया है, वह इसका 40% खर्च करता है। तो 2500 का 40% निकाल दीजिए, 40% तो कितना हो जाएगा, 40 × 25 1000 रुपया हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर किस में है, 2 में। यहाँ पे देखिए x का मान 2 रखने पर क्या आ जाएगा, x की जगह 2 रखिए तो 2² + 2 × 2 + 1, 2 × 4 + 4 + 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको साफ नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ एक पेज में ऐसा है, बाकी आपको सही है। तो यहाँ देखिए 320 मीटर दिया हुआ परिसीमा और इसका क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए, वर्गाकार पार का क्षेत्रफल निकालना है। इसका परिसीमा यानी परिमिति दिया है 320, तो यहाँ पे भुजा निकाल लीजिए,
तो कितना निकलेगा, 80 निकलेगा। अब इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, तो अठी अठी कितना हो जाएगा, 64 स्वरूप हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर एक सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 164 देखिए, 5 के पहले 6 गुणजों का समांतर माध्य है, तो 5 के पहले 6 गुणज क्या हो जाएंगे, 5, 10, 15, 20, इस तरह से 25, 30, और इस सब का माध्य निकालना है, तो इनको जोड़ करके और 6 संख्या है तो 6 से भाग दे दीजिए, तो इसका सही आंसर जो आएगा ये आएगा 17.5। ऑप्शन नंबर 2, निम्न आंकड़ों की माध्यिका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 165 का 3 सही हो जाएगा, ठीक है। 166 का देखिए, 166 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 1/6। यहाँ पे साफ नहीं, इसलिए सिर्फ आंसर यहाँ बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका साधारण ब्याज निकालना, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर 100, तो यहाँ जाएगा 600 गुना 4 गुना 3/100, तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो 6×24 या 72, तो यहाँ 72 रुपया से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 का लेते हैं, 168 का, 85 कोण का संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों को जोड़ के 180 होता है संपूरक कोण, तो एक कोण दिया है 85, इसमें से माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 95 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। 169 का देखिए, 9000 मीटर क्षेत्रफल वाला एक आयताकार मैदान का चौड़ाई, चौड़ाई दिया है, लंबाई निकालना है, लंबाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल भागा चौड़ाई, तो 9000 में 75 से भाग दे दीजिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भाग देने पे 120 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। किसी घन में कितने किनारा होता है, 12 किनारा होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 171 में देखिए, ये तो सीधा सीधा भाग है, तो भाग देने पे जो है इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। 172 में देखिए, 5 लड़कियों की ऊंचाई, तो इस सबको जोड़ के 5 से भाग दे दीजिए, माध्य निकल जाएगा, तो भाग देने पे कितना हो जाएगा, ठीक है, 142 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 173, 60 सेंटीमीटर के साथ 2 मीटर का अनुपात, तो 60 यहाँ 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए, तो 60/200 हो जाएगा, 200 जीरो जीरो कट जाएगा, 6 का आधा 3, 20 का आधा 10, तो 3:10 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसी तरह से 174 का देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 2 रखते हैं, यहाँ भी 2 रखते हैं, तो 4×2=8, 7×15 होता है, इधर भी 15 हो जाता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका भी सही हो जाएगा। 175 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 175 का क्या हो जाएगा, इसमें होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 176 का देखिए, इसमें जो है कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 177 में हो जाएगा, 177 का देखिए, 177 में आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसमें भाग दे देना 2365 से, क्योंकि 2014 में 365 दिन था, तो इसमें 365 से भाग देने पे इतना रुपया आ जाएगा। 178 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 3.5, ठीक है, क्योंकि 3.5 रहेगा त्रिज्या, तो इसका परिधि आएगा 22, और 22 आएगा तो यहाँ पे ब्यास से क्या है, 15 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो ब्यास आएगा 7, और 7 से ये 15 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 में देखिए, समकोण त्रिभुज का आधार दिया है, ऊंचाई दिया है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो ये क्या कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है गणित का, 540 रुपया में खरीदी गई, 15% लाभ पे बेची गई, हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, तो इसका अगर विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 540 गुना हो जाएगा 100 प्लस 15 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100, तो इस तरह से इसको अगर सॉल्व करें, यहाँ पे इसको अगर सॉल्व कीजिएगा इसका फॉर्मूला लगा करके, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, 621 रुपया, तो इस तरह से मिला लीजिए आपका कितना सही है।